नमस्ते ऑल। हम हमेशा कहते हैं कि इसके कारण मैं दुखी हुआ हूँ और उसके कारण मैं दुखी हुआ हूँ, लेकिन क्या कोई दूसरे ही हमारे दुखी के कारण होते हैं कि हमारे एक ही दुखी के कारण होते हैं कि बहुत सारे होते हैं? चलिए आइए आज हम इसी के पीछे एक महाभारत से जुड़ी हुई कर्ण की कहानी देखते हैं। हम सबको पता है कि कर्ण उनके दान देने के क्वालिटी के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और वो महाभारत के सबसे प्रमुख कैरेक्टर में से एक है। लेकिन उनका मरण कैसे हुआ जबकि वो इतने शक्तिशाली थे और वह अर्जुन के बराबरी से थे, लेकिन अर्जुन ने ही उन्हें मारा? ऐसे कैसे हो सकता है? ये इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि पहला कारण है परशुराम। हम सबको पता है कि परशुराम तो बहुत क्रोध में रहने वाले ब्राह्मण थे और उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया है और उनके पास वो खुद एक गुरुकुल चलाते थे जिसमें वह सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही शस्त्र विद्या सिखलाते थे। लेकिन वह बहुत अच्छे धनुर्धर थे बहुत, और कर्ण भी उनसे शस्त्र विद्या सीखना चाहता था, इसलिए वह ब्राह्मण के भेष में उनके पास गया और उसने सारी शस्त्र विद्या सीख ली। एक दिन जब श्री परशुराम कर्ण की गोद में लेटे थे तब इंद्र एक मधुमक्खी के रूप में जाके कर्ण की जांघों में छेद कर दिया, जिसके कारण कर्ण की जांघ से खून ही खून बहने लगा और वह जाके श्री परशुराम जो कि विश्राम कर रहे थे उनके शरीर से जाके लगा और वह तुरंत जागे और उन्होंने सोचा कि ये कोई ब्राह्मण इतना दर्द कभी नहीं सह सकता, ये या तो क्षत्रिय होगा या वैश्य होगा, ये ब्राह्मण कभी इतना दर्द नहीं सह पाएगा। तो उन्होंने यही कर्ण से पूछा, लेकिन कर्ण ने कहा आप विश्राम कर रहे थे इसलिए मैं आपको जगाना नहीं चाहता था, अगर मैं चीखता तो आप जग जाते, इसलिए मैंने अपना दर्द सह लिया। तो वो समझ गए कि एक क्षत्रिय ही है और उन्होंने उसको तुरंत श्राप दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसी के कारण जब मेरी शस्त्र विद्या तुम्हारे काम आने के लिए होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण, इंद्र जो कि अपने माया और अपने शक्ति के लिए प्रसिद्ध देवता है जो कि स्वर्ग पर राज करते हैं, वह एक बार एक बूढ़ी दादी के भेष बदलकर एक बार वो कर्ण के पास गए और उन्होंने उनसे दान के रूप में एक उनका कवच और कुंडल मांगा। लेकिन कर्ण ये जानते थे कि कोई तो मेरे साथ छल कर रहा है और अगर मेरा कवच कुंडल चला जाएगा तो मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा। लेकिन ये सोचते हुए भी उन्होंने दान करना नहीं छोड़ा और उन्होंने अपना कवच कुंडल उन बूढ़ी माता को दान दे दिया। और इसी ये दूसरा कारण था, वरना उनका कवच कुंडल जो कि सूर्य देवता जो कि उनके पिता थे उन्होंने उसको जन्म सहित ही दान दिया था, जिससे वह कवच और कुंडल उसकी हमेशा रक्षा करते थे और जब तक वह कवच कुंडल पहने रहता तब तक उसको पृथ्वी पर कोई उसका विनाश नहीं कर सकता था।
ये था उनका दूसरा कारण। अब तीसरा कारण है, जब वो सारथी के साथ वो रथ चला के जा रहे थे, तब उनके सामने एक गाय की बछड़ी सामने आई और वह गलती से कर्ण कर्ण के रथ ने उस गाय को कुचल दिया। और एक पास में ही एक ऋषि थे जो क्रोधित हो उठे और उन्होंने उसको श्राप दिया कि हे कर्ण, तुम इस गाय के बछड़े को जमीन में कुचल कर मार रहे हो और एक दिन यही जमीन तुम्हारे मरण का कारण बनेगा। और यह था तीसरा कारण। अब चौथा कारण देखते हैं। एक दिन कुंती, जब कर्ण युद्ध में जाने वाले थे, उसके एक दिन पहले कुंती जो कि उनकी माता थी, उन्होंने उनसे वचन मांगा। लेकिन कर्ण ये जानते थे कि वो उनकी माता हैं और उनको वह वचन देना ही पड़ा। और उन्होंने कुंती जी ने यह वचन मांगा कि मेरे 5 पुत्र हमेशा बचे रहने चाहिए, या फिर तो और तुम्हारी लड़ाई सीधे सीधे अर्जुन से होनी चाहिए। लड़ाई करते वक्त तुम किसी और को नहीं मारोगे, और अगर तुम और अर्जुन के बीच में लड़ाई हुई तो या फिर तो अर्जुन मरेगा या तुम मरोगे, तुम मरोगे तो भी मेरे 5 पुत्र अर्जुन सहित बचेंगे, और जब तुम बचोगे तब भी मेरे तुम्हारे सहित 5 पुत्र बचेंगे। इसलिए मुझे 5 पुत्र ही चाहिए, और मुझे एक और भी वचन चाहिए कि तुम सिर्फ एक बार नाग आस्त्र मारोगे, और उसके बाद जो भी तुम्हें कहे कि नागास्त्र फिर से मारो, लेकिन तुम उनको मना करोगे। ऐसा 2 वचन कुंती जी ने उनसे मांगे। और कर्ण को फिर से पता था कि फिर से ये लोग फिर से ये छल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने निडर होके दान कर दिया। आप इसी से जुड़ा हुआ एक 5वां कारण देखते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के सारथी जो थे उनका नाम था शल्य, और जब उन्होंने नागास्त्र छोड़ा, तब श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को थोड़ी नीचे दबा दिया, जिससे कि अर्जुन के जो मुंह पे आने वाला था अस्त्र, वही उसके मुकुट पे लगकर पीछे गिर गया। लेकिन शल्य ने उनसे कहा कि फिर से नागास्त्र चलाइए, और इस बार अर्जुन नहीं बचेगा, ऐसा शल्य ने कहा। लेकिन कर्ण ने मना कर दिया, और कुंती जी का वचन भी उनके साथ पे था, और नागपाश उनके पास उनके पास एक नाग था जो कि अर्जुन से बदला लेना चाहता था, क्योंकि अर्जुन ने उसको कुछ परेशान किया था, और वह नागराज था, और वह इतना जहरीला था कि अगर वह किसी मानव को छू भी ले तो वो मानव मौत को खाए जाएगा। और लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जब उनकी मुकुट अर्जुन के मुकुट पे लगा, तो उस नागास्त्र ने इतना सारा जहर छोड़ा कि वो मुकुट ही काला पड़ गया। चलिए देखते हैं 6ठा कारण। 6ठा कारण तो हमारे प्यारे माखनचोर कृष्ण का है, और क्योंकि वह इन सबके मूलाधार थे, वह भी एक कारण से और सबसे बड़े कारण थे। उन्होंने इंद्र से 2 बार कहा था, पहले
पहले बार उन्होंने कहा था कि तुम मधुमक्खी के रूप में जाओ और उनके जांघों में काट दो। दूसरे बार कहा था तुम एक बुढ़िया के बेस में जाओ और उनसे अपना कवच कुंडल मांग लो। और कुंती से भी उन्होंने ये कहा था कि महाभारत के युद्ध से पहले तुम कर्ण को कैसे भी करके कुछ ये वचन मांगना कि अर्जुन या फिर तुम में से कोई एक बचे, लेकिन मेरे 5 पुत्र बचने चाहिए और वह सिर्फ एक ही एक बार नागास्त्र चलाए। और छठा कारण जो था वह उन्होंने खुद जब अपने पांव से धरती दबाई थी, मतलब रथ दबाया था और अर्जुन को बचाया था। और ये सब तो मेन है, लेकिन इसके और भी कुछ कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि पिछले जन्म में वह सहस्त्र कवच नामक एक राक्षस हुआ करता था और कर्ण पिछले जन्म में वह सहस्त्र कवच नामक का एक राक्षस था और वह उसके पास हजारों कवच थे, जो कि एक उसको ऐसा भी वरदान मिला था कि उसके पास एक से बढ़कर एक बहुत शक्तिशाली कवच थे और एक किसी ने मारा तो उसी समय उस आदमी को मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वह आदमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। और इससे वो घमंड में आ गया था और वो बाकी बहुत उसके राज्य के लोगों को बहुत परेशान करता था और मार भी देता था। कर्ण ने अपने पिछले जन्म में बहुत सारे दुष्कर्म किए थे और लेकिन इस जन्म में उसने बहुत सारे दान दिए थे, जो कि इस कहानी में ही बहुत सारे आए हैं। और लेकिन तब भी उसका मरण नहीं हुआ जब अर्जुन के बाण उसकी छाती को चीर रहे थे, लेकिन तब उसकी मृत्यु हुई जब श्री कृष्ण ने उनके सारे दानों को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि कर्ण के मरण का सिर्फ अर्जुन कारण नहीं था, उसके मरण का कारण के पीछे बहुत सारे कारण हैं और उनमें से ज्यादातर तो उसके खुद के कर्म के वजह से हैं। इसलिए हम जब तक इस पृथ्वी पर रहते हैं तब तक हमें दान और दान धर्म करने चाहिए, और हम अगर किसी का अच्छा नहीं कर पाए तो हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए या सोचना चाहिए। और इस कहानी से हमें ये भी पता चलता है कि हम और हमारे कर्म खुद ही हमारे दुख के कारण होते हैं। जय श्री कृष्ण।